नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करती हूँ। 24 फरवरी को अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत के बाद देश भर में प्रशंसक शोक मना रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे फैंस भी हैं जिनके सदाकारा की मौत पर अफसोस जाहिर करने के तरीके ने ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर इलाके के ददुनी गाँव में रहने वाले ओम प्रकाश मेहरा का कहना है कि बरसों से मन ही मन श्रीदेवी को पत्नी मानते थे, ऐसे में जब उनके निधन की खबर आई है तो बहुत दुख हुआ। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश ने रविवार को गांव के स्कूल में श्रीदेवी के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। यहां उन्होंने अपना मुंडन करवाकर श्रीदेवी की तस्वीर पर फूल माला अर्पित की। ओम प्रकाश के दोस्त ने बताया कि उसने अपनी मां के श्राद्ध में मुंडन नहीं कराया था, लेकिन श्रीदेवी की मौत पर सर मुंडवाया है। उसने बताया कि ओम प्रकाश ने 4 दिन तक तो श्रीदेवी की मौत के गम में कुछ भी नहीं खाया। ओम प्रकाश ने 3000 से ज्यादा खत श्रीदेवी को लिखे थे। ओम प्रकाश ने श्रीदेवी से शादी करने की चाह में शादी भी नहीं की थी। ओम प्रकाश का कहना है कि जवानी के दिनों में श्रीदेवी को पत्नी मान लिया था, ऐसे में किसी और से दूसरी शादी वो कैसे कर सकते थे। हरदोई के रहने वाले गंगाराम भी श्रीदेवी की मौत पर दुखी है। श्रीदेवी का अंतिम संस्कार होने के बाद गंगाराम ने सर मुंडवाया और कुश लगाकर जल दिया। उसने श्रीदेवी की याद में एक अमरूद का पेड़ भी लगाया है। गंगाराम ने श्रीदेवी के निधन की खबर सुनने के बाद खाना पीना छोड़कर खुद को कमरे में बंद कर लिया। करीब 4 दिन बाद जब श्रीदेवी का अंतिम संस्कार हो गया तब जाकर उसने खाना खाया। आपको बता दें, श्रीदेवी का 24 फरवरी को दुबई के एक होटल में बाथटब में डूबकर निधन हो गया था। दुबई में तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 27 फरवरी को उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया और 28 फरवरी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बॉलीवुड स्टार श्रीदेवी की अस्थियों का विसर्जन शनिवार को रामेश्वर में किया गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।